हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं जा रहा हूँ मार्केट बोल के एक जगह है, वहाँ पर जा रहा हूँ। मार्केट में जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ पर झाड़ू कैसे उठता है, मतलब झाड़ू लगाते हैं, वो झाड़ू उठने का खेती देखेंगे। बहुत अच्छा अच्छा खेती है, तो आप तुम्हें थोड़ा बहुत जितना भी हो सके दिखाने की कोशिश करूँगा। तो मेरे साथ बने रहेगा और ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखिए मेरे सामने में, देखिए ये बहुत ही अच्छा एक पानी का स्रोत है। देखिए ये पानी बहुत ही सुंदर और साफ सुथरा पानी है, जंगल का ऊपर का पानी है। चारों तरफ बहुत बड़ा बड़ा पहाड़ है। धीरे धीरे देखिए ये रास्ते से हमें आ रहे हैं अभी, और जाना है ऊपर, इधर जाना है। बहुत ही ऊँचा है ये, बहुत ही पहाड़ है पूरा ऊपर। तो चलते हैं, हम चलते रहते हैं। अब लोगों को दिखाऊंगा पूरा किस्सा कैसे होगा कि अभी मैं जा रहा हूँ अभी उसी जगह पर जहाँ पर झाड़ू उगता है और झाड़ू खेती होता है, वहाँ पर जाना है। छोटू क्या कर रहे हो? ये मेरा बहन जी है। कैसा खबर है? ठीक है। ये देखिए परिवेश के बीचों बीच ये बसा हुआ है गांव, बहुत ही सुंदर। आप जो झाड़ू लेके आते हैं, लेके आके उसको कैसे सुखा के रखते हो, आपको मैं दिखाने वाला हूँ। आपको पूरा का पूरा झाड़ू, ये देखिए झाड़ू पहाड़ के तौर करते इसको सुखा रहे। जैसे कि मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, ये सब जितना भी देख पा रहे हैं ये है झाड़ू। तो इसको हम लोग यूज़ करते हैं घर झाड़ू करने के लिए, बहुत ही झाड़ू के काम में आता है ये चीज़। और ये चीज़ मेरे के सफाई के लिए बहुत ही अच्छा, जो हम लोग जंगल से हम लोग को मिलता है। और ये देखिए ऐसा करके इसको सूखा के रखा है, ये देखिए कितना अच्छा सुंदर। देखिए इसे पूरा सूखा के रखा है। तो आपको मैं दिखाऊँगा इसका पहाड़ भी, थोड़ा बहुत आपको मैं दिखाने वाला हूँ इसका जो पहाड़ में जंगल में इसका जो झाड़ू का वो खेती होता है, उसको भी मैं थोड़ा बहुत दिखाने वाला हूँ। तो आज मेरे साथ बने रहिएगा और ये वीडियो पूरा तक देखिएगा। जैसे कि आप एक देख पा रहे हैं, सब जितना भी आप देख पा रहे हैं सब झाड़ू का पेड़ है। तो ये झाड़ू होता है ऐसे करके, देखिए पूरा आपका पूरा झाड़ू है। अब इसको तोड़ने का टाइम आ चुका है, अब इसको धीरे धीरे तोड़ेंगे यहाँ के निवासी। तो तोड़ के इसको मस्त अभी सुखाएंगे, सुखा के इसको बेचेंगे। तो आप देख पा रहे हैं मेरे इस चैनल में, इस वीडियो में आपको झाड़ू का पेड़ मैं दिखा रहा हूँ। मगर शहरों में तो इस झाड़ू कहाँ से आता है क्या आता है इसको पता ही नहीं रहता है, लेकिन जितना भी मैं जानकारी देना चाह सक रहा हूँ तो आपको मैं दे रहा हूँ। ये देखिए इस तरह से इसके झाड़ू का पेड़ है सारा का सारा। तो थोड़ा इसको जूम करके दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखिए पूरा का पूरा ये झाड़ू है, इतना सुंदर लग रहा है अभी। और ये देखने में सुंदर है लेकिन इसको जब तोड़ने जाएंगे तो बहुत ही कठिनाई का काम है। ये यहाँ के निवासी बहुत ही कठिनाई से इसको तोड़ के हम लोग के तरफ पहुँचाते हैं, हम लोग के सिटी में पहुँचाते हैं, हम लोग को मतलब मुहैया कराते हैं सब झाड़ू का। पूरा पहाड़ है, चारों तरफ देखिए पूरा पहाड़ है, चारों तरफ पूरा पहाड़ है। मेरे भी जा रहा है कैसा होता है। हम लोग यहाँ पर असम में झाड़ू ये तोड़ रहे हैं अभी, तोड़ के इसको हम लोग के लिए पहुँचाएंगे सिटी में। कितना कष्ट करते हैं ये मम्मी दीदी? जो लगाने के बाद में एक साल तो थोड़ा थोड़ा निकलता है, दूसरा साल में थोड़ा होगा, तीसरा साल में लगा, तीन साल का साल में थोड़ा ज़्यादा होगा। हाँ, एक मुठ्ठी दो एक मुठ्ठी निकलेगा। तो लगभग आपका 3 साल लग जाता है लगाने के बाद ये झाड़ू खेती में। 3 साल के बाद आपको अच्छा सुंदर एक मुठा मिलेगा झाड़ू का। एक पेड़ से कम एक मुठा निकलता है ना, एक पेड़ से कम एक मुठा निकलता है।
साइड में आप देखेंगे, आपका मुठा दिखाऊंगा मैं आपको, इतना बड़ा एक मुठा होता है वो निकलेगा, आप साइड में देख पा रहे होंगे ऊपर, तो बहुत ही कष्ट होता है। तो मेरे व्यूअर्स को दिखाने के लिए मैं थोड़ा लाया हूँ झाड़ू का खेती, और झाड़ू कैसे उगता है या फिर कैसा पहाड़ में बनता है, कितना कष्ट होता है उसको मैं दिखाने के लिए आया हूँ। बाकी में कष्ट है, इसका लगाने अकेले नहीं होता है, इसका घास जब बुढ़ा हो जाएगा ना, ये घास सब काटना पड़ेगा, फलना पड़ता है, तब फल के और उसका नौतुन निकलता है, निकलने के साल में तब फिर झूड़ना होगा, झूड़ के सफा कर देगा तब झाड़ू अच्छा। फिर नेक्स्ट साल बोलना चाह रहे हैं कि ये जितना भी आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे, ये सब जितना भी देख पा रहे हैं, ये सब ये जब जितना भी है ये सब अभी तो ये झाड़ू भी इसको निकाल लेंगे, निकालने का नेक्स्ट जब इसको ये झाड़ू सब निकालने का खत्म हो जाएगा उसके बाद क्या करेंगे, ये सब झाड़ू को काट के इसको पूरा कट गया मेरा हाथ, काट जाता है ब्लेड का जैसा है, ब्लेड का जैसा पूरा धार है लेकिन जी नहीं है इसको, थोड़ा लग गया अभी हाथ में मेरा। तो मैं क्या बोल रहा था, ये पूरा इसको पूरा झूरना पड़ेगा, झूर के इसको पूरा साफ करके पूरा मिट्टी निकाल के इसको फेंकना पड़ेगा, उसके बाद नया जब बारिश गिरेगा, बारिश गिरने के बाद नया करके फिर पौधा। तो देखिए झाड़ू बगान से लाइव मिस्टर सिद्धार्थ आपको दिखा रहा है, और उतरेंगे कैसे अभी, उतर नहीं पा रहा हूँ भैया जी, ओ गिरने वाला था, अरे बाप रे बहुत ढलान है, इसको गिरने वाला था मैं अभी, यहाँ से गिरेंगे तो पूरा नीचे फेंसेंगे, बहुत ही डेंजरस, ऐसे तो हम लोग किसे नहीं होगा, तो यहाँ के निवासी वही कर पाएंगे, इतना कष्ट करते हैं, मुझे आकर पता चला अभी। आप लोग भी देख लीजिए, हम लोग बैठे बैठे झाड़ू मिल जाता है मार्केट में आराम से, लेकिन उसको निकालने में कितना कठिनाई है आप खुद देख सकते हैं, मैं तो थक गया हूँ अभी, मैं गिरने वाला था। तो यही था मेरा छोटा सा वीडियो, अगर वीडियो को लाइक अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।